हे गाइस, कैसे आप लोग? आई एम श्योर कि आप लोग जब बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइस, एक और वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए, प्रैक्टिकल गूगल कीवर्ड रिसर्च। तो जनरली कीवर्ड रिसर्च जो है, आई एम श्योर आप लोग सभी जानते हैं कि गूगल एड के अंदर जो आके किस तरह से कीवर्ड रिसर्च करने हैं। लेकिन जो है, अब तक हमने बहुत ही बेसिक चीजें सीखी हैं कि कीवर्ड रिसर्च में क्या क्या करना है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ एडवांस चीजें दिखाने वाला हूं, बिकॉज एड चलाने के लिए सिर्फ कीवर्ड देखना और उसकी कंपटीशन देखना और कितनी वॉल्यूम है वही देखना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। उसके साथ में आपको जो है कुछ और चीजें भी देखनी होती हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर वो मैं सारी चीजें प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूं, सो दैट कि जब आप कीवर्ड रिसर्च करें और तो आपको सारी चीजें पता चले कि आपका जो एड है वो कहां पर किस तरह कितना दिखना चाहिए, तो आप जो है प्रॉपर तरीके से उसमें यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। तो चलिए अभी इसको देखने के लिए प्रैक्टिकल लेके चलता हूं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सो गाइस, अगर आपने जो है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सब्सक्राइब कर लें, और चलिए अभी बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो गाइस, हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, और एज यू कैन सी ये हमारा चैनल यूट्यूब विच इज डिजिटल मजीद। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें, और चलिए अभी जो हम बढ़ते हैं हम सीधे गूगल ऐड की तरफ में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कीवर्ड रिसर्च। तो कीवर्ड रिसर्च जनरली हम लोगों को पता है, बहुत लोगों को पता है, लेकिन हम ज़्यादा डिटेल में नहीं चीज़ों को डिस्कस कर पाते। आज मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर बताने वाला, तो इसलिए वीडियो को जो है आपने एंड तक देखना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है टूल्स एंड सेटिंग पे। यहाँ पर आपको मिलेगा कीवर्ड प्लानर। अब कीवर्ड प्लानर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा इससे। तो यहां पर जो है यू कैन सी हमारे पास में दो ऑप्शंस हैं, एक आपका डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स और दूसरा है गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। तो ये आपको फोरकास्ट भी देगा डिपेंडिंग ऑन दी आज उस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर में कि क्या ट्रैफिक चल रहा है। बेस्ड ऑन दैट ये एज्यूम करके AI का इस्तेमाल करके फोरकास्ट आपको दे सकता है। बट आई वुड रिकमेंड कि आप जो है डिस्कवर द न्यू कीवर्ड पे जाएं। आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस। सो यहां पर आपको दो ऑप्शंस है, या तो आप जो है कीवर्ड रिसर्च कर लें कोई भी कीवर्ड डाल के, या फिर जो है यहां पे आपको कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट का आप URL डाल के भी यहां से जो पूरे कीवर्ड है वो आप निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है कीवर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, और बहुत ही सिंपल सा कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, विच इज योर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, और हम यहाँ पे ऑनलाइन साथ में ले लेते हैं बिकॉज ऑनलाइन का जमाना है, और यहाँ पे गेट रिजल्ट पे क्लिक कर लेते हैं। तो यू कैन सी यहाँ पे हमारे सामने जो है काफी सारे रिजल्ट जो है हमें देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पर अभी मैं पहले इसको जो बाय डिफॉल्ट लेआउट होता है वो आपके सामने कुछ इस तरह का आता है। अब इसके बाद जो है यहाँ पर अगर नीचे स्क्रोल डाउन करते हैं तो यू कैन सी आपके सामने यहाँ पर ये कीवर्ड है, राइट, और उस पर पिछले अच्छा उससे पहले मैं बता दूँ ये आपका जो रिजल्ट आ रहे हैं वो इंडिया के लिए हैं। अगर आपको किसी और कंट्री के लिए चेक करना है तो आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करें और यहाँ पे जो भी आपको चेंज करना है आप चेंज कर सकते हैं। बट अभी मैं इंडिया में, तो मैं इंडिया का ही यहाँ पे सेलेक्ट करके बता रहा हूँ। और यहाँ पे लैंग्वेज मिलेगी आपको, ये गूगल जो है ये कीवर्ड जो है वो किसके बेस पे, तो गूगल का खुद का डेटाबेस है। और यहाँ पे डेट आपको दिखा रहा है कब से कब तक के बीच का ये जो है पूरा वॉल्यूम है। तो यहाँ पर यू कैन सी आपके सामने जो है ये पूरा का पूरा ट्रेंड आ रहा है कि आपके सामने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब 12,100 इतनी ज़्यादा सर्चेज जो हैं वो यहाँ पर इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए हो रही हैं। अब यहाँ पे कंपटीशन हाई है बिकॉज सर्च ज़्यादा है, डेफिनेटली आपका जो कंपटीशन है वो तो ज़्यादा होगा ही, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट इसके साथ साथ में ये भी है कि कीवर्ड में आपको कंपटीशन तो देखना ही देखना है, लेकिन अब यहाँ पे जो है आप देखें तो ये दो चीज़ें आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है आपका टॉप ऑफ द पेज बिड लो रेंज और टॉप ऑफ द पेज बिड हाई रेंज। सो बेसिकली यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि सबसे कम जो प्राइस पे किया गया इस पूरे पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए वो इतना पे किया गया, और ये जो कीवर्ड, ये जो अमाउंट है ये सबसे हाईएस्ट पे किया गया इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए। तो यानी आपका जो बजट है, जो आपका बिट, आपका पर क्लिक जो कॉस्ट है वो इसके बीच में होगी तो ही आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा अगर आप ये पर्टिकुलर कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं। तो इसी हिसाब से जो है आपको काम करना होता है। अभी यहाँ पर और थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो यू कैन सी यहाँ पे ऊपर में आपके पास में लिखा हुआ है, ये तो आपको सिंपल दिखा रहा है कि आपका टोटल कितना है, मोबाइल पे कितना है, तो ये उसका आपको जो है चार्ट दिख रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे चार्ट पे क्लिक करेंगे
तो मैं यहाँ पे ब्रेक डाउन करता हूँ बाई प्लेटफॉर्म, बाई प्लेटफॉर्म यानी कि मोबाइल से कितना है, आई आपके टैबलेट से कितना है और डेस्कटॉप से कितना है, तो यहाँ पे आपको वो मिल जाएगा। तो यू कैन सी सबसे ज़्यादा आज की डेट में अगर अपन इस पर्टिकुलर कीवर्ड के टारगेट करें तो हमें ये पता चल रहा है कि हमें जो ऐड है वो कहाँ पर रन करनी है, मोबाइल डिवाइसेस पे। क्यों? मोबाइल डिवाइसेस पे आपको जो है 60% आपका इसमें कवर हो रहा है, और दूसरा आप इसमें जो है 40% तो आप जो है डेस्कटॉप के ऊपर में रेशियो कम कर सकते हैं, और मोबाइल के अंदर इसका जो रेशियो है आगे चल के हम देखेंगे तो आप ये इसको जो है इंक्रीज कर सकते हो। तो ये जो है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं कि जो टारगेट हमारी स्टेट है या लोकेशन है वो हम यहाँ पे ब्रेक डाउन बाय लोकेशन पे क्लिक करते हैं। तो यू कैन सी आपके सामने यहाँ पे लोकेशन आ गई। अब ये जो है आपके पास क्या है, टाउन ऑब्लिक सिटी के हिसाब से है। तो आप यहाँ पे देखें कि आपका न्यू दिल्ली में सबसे ज़्यादा ऑलमोस्ट 9.3% जो है ऑल ओवर दी वैल्यू की बात करें तो आपको जो है न्यू दिल्ली से है। उसके बाद में मुंबई से 6.8 है, बेंगलुरु से 5.4 है, पुणे से 3.7, हैदराबाद से इतना, और अदर जितनी भी सिटीज टाउन बचे हैं तो उनमें करीब जो है 70% विच इज़ इंक्लूड ऑफ पैन इंडिया के जितने भी सिटीज़ हैं। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा स्टेट वाइज देखना चाहते हैं, यू कैन सी यहाँ पे स्टेट वाइज पे क्लिक करते हैं तो यू कैन सी यहाँ पे स्टेट वाइज भी आपको देखने को मिल जाएगा। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा, उत्तर प्रदेश में उसके बाद, फिर उसके बाद जो है कर्नाटका, देन तमिलनाडु, देन केरला, एंड बाकी उसके बाद जो है बाकी सारे स्टेट्स का जो क्लब है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है अदर्स के अंदर। तो ये जो फैक्टर्स हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये देखने लायक हैं, बिकॉज ये चीज़ें जब आप चीज़ों को प्रॉपरली देखेंगे कहाँ पर आपका टारगेट ऑडियंस है तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट अच्छे आएंगे। अगर हम लोग सिर्फ कीवर्ड का क्या करते हैं, आज तक हमने बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ मैं, यहाँ पर कीवर्ड देख लेते हैं कितना वॉल्यूम मिल रहा है, उसके अंदर जो है कंपटीशन कितना है, तो आपको लो पे रहना है, मीडियम पे जाना है भाई, आपको जो है यहाँ पर इनके साथ साथ में ये और भी चीज़ें देखनी होती हैं तभी आप जो है उसमें प्रॉपर रिजल्ट ले सकते हैं। अगर नहीं देखोगे तो प्रॉपर रिजल्ट जो है आपको नहीं देखने को मिलेंगे। सो गाइस, आई होप कि आप लोगों को जो है पूरा जो मैंने आपको कीवर्ड रिसर्च करने का जो तरीका वो मैंने बताया आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा उनसे रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलता हूँ एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।